दोस्तों आज मैं वो फिर से एक बार ऑस्टिन एक्वाडिक्स एक्वेरियम स्टोर में, और हमारे सामने है ऑस्टिन एक्वाडिक्स स्टोर के ओनर जिनका नाम है ऑस्टिन सर। तो ऑस्टिन सर, पहली बात तो आपका शुक्रिया कि जब भी स्टॉक आता है तभी आप मुझे इनवाइट करते हो आपका स्टॉक है वो कवर करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हर बार आपका स्टोर है मैं कवर करता हूँ और मुझे भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं आपसे सीखने के लिए मिलती है और बहुत सारे फ़िश का मुझे नॉलेज मिलता है। दूसरी बात कि आप हर टाइम अलग अलग वेराइटीज़ के फ़िश लाते हो, तो हमारे व्यूवर्स को भी आपका जो वीडियो है वो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट टाइम का हमने एक आपका वीडियो कवर किया था तो वो काफ़ी अच्छा उसमें व्यूज़ आए, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रथमेश भाई, आप हमेशा कॉल पे आ जाते हो। यस यस, इतने भी बिजी हो रहते हो तो फिर भी आप हमें अटेंड करते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपके व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लाने का हमेशा कोशिश करता हूँ ताकि आपके व्यूअर्स को नए नए फिशेस देखने मिले और यहाँ पे आने का एक उनका एक्साइटमेंट हमेशा बरकरार रहे। यस, तो ऑस्टिन सर आप बताइए कि कौन से एक्वेरियम फिश के साथ है आपका स्टॉक कवर करने के लिए स्टार्ट करें? आप ऑस्टिन एक्वाटिक आए हैं तो हम मॉइस्चर से शुरू करेंगे क्योंकि वही हमारी ज़्यादा करके खासियत है। यस सर, तो चलिए शुरू करते हैं। यस सर, यहाँ पे है हम फर्स्ट इनका जो मॉन्स्टर एक्वेरियम फिश का एक्वेरियम है वो कवर कर रहे हैं सर। इसमें बहुत सारे अपने बड़े बड़े साइज में फिश रखे हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए सर। इनको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। yes. क्योंकि आपके सामने जो चीज़ है जो व्यूअर्स को एक्चुअली पता होती है ये है ऑस्कर्स जो बड़े साइज में है। और इसका साइज आप देखेंगे तो 11 टू 12 इंच इसका साइज है। yes. इसका बॉडी पे पैटर्न देखिए, इसका हेल्थ देखिए, बहुत ही प्रॉपर और प्रॉपर हेल्दी फिशेज है। तो ये कौन सी ऑस्कर है सर? ये टाइगर ऑस्कर है। इसके अंदर सेकेंड जो बड़ी साइज की वैरायटी है वो अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर है जो इसके साइड में ही है। हाँ हाँ, ये अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर, इसका साइज भी लगभग 11 टू 12 इंचेस का ही है। और इनका प्राइस आप जानना चाहते हो तो ये है 3000 का पैर। अच्छा, ये दोनों? हाँ, बड़ी साइज। और जो छोटे साइज के कॉपर ऑस्कर आपको दिख रहे हैं, हाँ हाँ, तो ज्यादा छोटे नहीं है, वो 6 टू 7 इंचेस के है। हाँ हाँ, इनका प्राइस 1500 का पैर। अच्छा, और यहाँ पे सर ये व्हाइट कलर में पिराना है सर, ये अल्बाइनो पाकू पिराना है। हाँ, साइज लगभग 14 टू 15 इंचेस है। हाँ हाँ, और ये आपने बहुत ही रेयरली आपको देखने मिलेगा ये साइज एक्वेरियम में। यस, और इसका प्राइस अराउंड 6000 आप कह रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे सर ये पिकॉक बास? सर ये मोनोकुलस पिकॉक बास है, साइज 9 इंचेस के है, ऐसे दो पीस है ये एक्वेरियम में। और इनका प्राइस 10000 अपेयर है, 5000 पीस। अच्छा सर, यहाँ पे पैरेट फिश? सर ये हार्ट शेप पैरेट है, बड़ी साइज में, 8 इंच की साइज है इसकी। हाँ हाँ, और क्या प्राइस है सर? सर इसका प्राइस 1000 रुपीस का पीस है सर। और यहाँ पे सर? सर ये सुपर हाई बैक अरवाना है। नॉर्मली आपने हाई बैक देखा होगा, RTG देखा होगा, ये सुपर हाई बैक है जो हाई बैक के ऊपर की क्लास है। हाँ, और इसका साइज 15 इंचेस की है और इसकी प्राइस 26000 है। ये मार्बल लंग फिश है, इसका साइज 7 इंचेस प्लस है और इसका कॉस्टिंग 8500 तक है। अच्छा, 8500। यस सर, ये बहुत ही यूनिक वैरायटी है लंग फिश में। और सर इसके साथ ये फिश रखे हो? सर ये कुकू कैट फिश है। हाँ हाँ, ये सर ये 1500 के पैर है और इनका साइज लगभग 3.5 इंचेस है। सर यहाँ पे सर ये रेड फ्लैगटेल है। हाँ, इसका साइज 3 इंचेस है और कॉस्टिंग 1800 का पीस है। और सर ये अपसाइड में? सर ये गोल्डन हाई बैक है। हाँ, एशियन हाँ, फार्म से। हाँ, साइज 7 इंचेस है और कॉस्टिंग अराउंड 8000 का पीस है। अच्छा, मैं यहाँ पे सर? सर ये भी यूनिक वैरायटी है नाइफ फिश के। हाँ, ये है मार्बल नाइफ फिश। हाँ, इसका फेस आप देख सकते हो, बहुत ही डिफरेंट है नॉर्मल नाइफ फिश है। अच्छा, और इसका कॉस्टिंग 3500 पर पीस है। क्या साइज है? साइज आप देखेंगे तो 10 इंच का साइज है। और इसके साथ ही जो गार फिश है? सर ये एलिगेटर गार है जो व्यूअर्स को नॉर्मली पता ही होगा। हाँ, एलिगेटर गार है।
और इसका साइज लगभग 11 to 12 इंच का है और हाँ. इसका कॉस्टिंग अराउंड 2500 रुपीज। यहाँ पे सर ये यूज साइज में है, जायंट गुरामी हाँ, आपने हाँ. इसको देखा ही होगा स्मॉल साइज में, लेकिन ये हाँ, अभी हाँ. मेरे पास है 15 इंच प्लस। अच्छा, और इसका प्राइस अराउंड 4000 का पीस है और ये मेल है, आपने उसके सर पे हेड देख सकते हैं प्रॉपर। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे सर, सर ये गोल्डन डोराडो फिश है हाँ, हाँ. ये भी यूनिक वैरायटी में मॉइस्चर है अच्छा. और इसका कॉस्टिंग 5000 का पीस है, अराउंड 6 इंच इसका साइज है, ये प्रॉपर गोल्डन कलर की हो जाती है बड़ी होके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कौन से कवर की थी डोराडो? सर वो गोल्डन ही थी हाँ. लेकिन उसका साइज कम था, 4 इंच का साइज। अच्छा अच्छा, ये बड़ी साइज में आया। यहाँ पे सर, सर ये ऑर्नेट बीचरीज है, इसका कॉस्टिंग 1000 रुपीज का पीस है, ये टॉप क्वालिटी की बीचरीज में इसका रैंक आता है और सर इसका साइज 4 इंच है। और ये सर, सर ये नॉर्मल जाइंट गुरामी है रेड आइज, जो हमने बड़ी साइज में देखा उसका अच्छा। छोटा वर्जन है 3 इंच हाँ, का, कॉस्टिंग हाँ, 350 रुपीज पर पीस है। सर ये रेड आइज अल्बाइनो अरवाना है, इसके अंदर दो टाइप के अरवाना आते हैं, ब्लैक आइज और रेड आइज, आप देख सकते हैं क्लोजली इसके आइज प्रॉपर रेड है और इसका साइज अराउंड 7 इंचेस प्लस है हाँ, और इसकी कॉस्टिंग अराउंड 8000 पर पीस है। सर यहाँ पे, सर एक गोल्डन कोबरा स्नेकेड है हाँ हाँ, इसका साइज लगभग 12 इंचेस का है। अच्छा, और इसके अंदर दो वैरायटी है, एक स्टुवाटी स्नेकेड है और एक कोबरा स्नेकेड है हाँ हाँ। अभी ये शायद से डरे हुए हैं क्योंकि ये कल ही स्टॉक आया हुआ है, अच्छा अच्छा, फिलहाल सेट नहीं हुए हाँ, आप हाँ. इनका साइज और फेस देख सकते हैं। यस यस, जो ब्लू पैटर्न में आपको टेल दिख रहा है वो स्टुवाटी स्नेकेड है और जो नॉर्मल गोल्डन कलर दिख रहा है वो गोल्डन स्नेकेड है। अच्छा, क्या इनका प्राइस है? सर ये 4000 का पीस है, कोई भी लेगा ना हाँ। सर ये लास्ट टाइम हमने अब कवर किया था, ये है डेलेजी सेनेगल हाँ हाँ, जो नए स्टॉक में आया है हाँ, और 9 इंच प्लस इसका साइज है, इसका रेट अराउंड 3000 का पीस है। अच्छा, और यहाँ पे सर ये पायरा वेम्पायर फिश है जो हम हाँ सेकेंड टाइम कवर कर रहे हैं एक्वेरियम अच्छा, में हाँ, और इसका साइज लास्ट टाइम से थोड़ा सा बड़ा आया है, अराउंड 6 इंच प्लस है हाँ हाँ। और इसका कॉस्टिंग आप जानना चाहते हो तो ये 5000 का पीस है। सर यहाँ पे ये नन्हे मेहमान फर्स्ट टाइम हमारे एक्वेरियम में आए हैं, ये है गोलाइट टाइगर की फैमिली, ये है विटा 2 गोलाइट टाइगर हाँ, सो इसका एक्चुअल नेम विटाटस गोलाइट टाइगर है लेकिन प्रोनाउंस में विटा 2 चला जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है गोलाइट टाइगर फैमिली ऑफकोर्स, और इसको एक्वेरियम में रखते हैं ताकि इस को बहुत ही प्यारा कलर आता है ये वैरायटी को, नॉर्मल गोलाइट टाइगर को इतना प्यारा कलर नहीं आता। अभी क्या साइज है अभी इनका? सर ये 3.5 इंच का साइज है और इसका कॉस्टिंग आप जानोगे तो 8500 का पीस है सर। क्यों इतना सर थोड़ा? ये बहुत रेयर वैरायटी है और सर ये पहला आप देखोगे तो ये 4500 या 5000 में मिल जाता था पीस। अच्छा, अच्छा। लेकिन अभी ये वैरायटी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो इसका मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गया अभी। अच्छा, आप ये सर? सर ये अफ्रीकन स्कैट फिश है हाँ हाँ, और इसका साइज 3.5 इंच प्लस है और इसका रेट 3000 का पीस है सर। ये सॉल्ट वाटर है फ्रेश वाटर है सर? फ्रेश वाटर फिश। अच्छा, सो हमने इस वीडियो में जो है वो मॉन्स्टर फिश का स्टॉक है वो पूरी तरह से कवर किया है और आई होप कि आपको ये जो सारे जो हमने फिश कवर किए हैं वो आपको पसंद आए रहेंगे। ऑस्टिन सर, आप क्या बोलना चाहते हो हमारे वीडियोस में? थैंक यू सर, आप आए हमारे लिए, टाइम निकाला हाँ, थैंक यू सो मच। आपके व्यूवर्स बहुत ही प्यारे हैं, नॉर्मल कॉल करते हैं और मतलब देखा जाएगा तो 80% आपके व्यूवर तो हमसे कुछ ना कुछ बाय हमेशा करते हैं, नॉर्मली फ्रॉम महाराष्ट्र रीजन, फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट और मुंबई रीजन, अच्छा। सब जगह से वो लोग प्रॉपर कॉल करके आपका नाम लेते हैं कि सर प्रश्न सर का वीडियो देखा बहुत ही अच्छा लगा, हमें ये वैरायटी चाहिए वो वैरायटी चाहिए, सो हमें ऑब्वियसली उनके लिए हम अच्छी अच्छी वैरायटी उनको सप्लाई करते हैं। अच्छा,
व्यूअर्स आपको अगर हमें फॉलो करना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑस्टिन एक्वाटिक। आपको प्रॉपर वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे हर हफ्ते हर महीने। आपको हर एक नए नए वैरायटीज देखने मिलेंगे, नए नए सेटअप्स देखने मिलेंगे। और आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं ऑस्टिन एक्वाटिक के नाम से। और आपको हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है तो आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका नंबर हम हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे ताकि हर हफ्ते आपको नए नए फिशेस की लिस्ट आपको मिलती रहे और आप हमारे संपर्क में हमेशा रहे। ऑस्टिन सर, फिर से आपका धन्यवाद कि आपने आपके पास जो स्टॉक आया है एक्वेरियम स्टोर में वो कवर करने के लिए दिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।